So welcome back once again, and dear friend, I have discussed this all disease and how we come to conclusion. So let us start with the single disease in details. So try to start with the I will start with the potato bot. Potato bot is again a fungus disease that is also known as black scab. Okay, and this can cause disease to the Solanum species. So Solanum, Solanaceae family is a, called as the, king of all vegetable, वेजिटेबल की जो फैमिली है उसमें सोलेनेसी की फैमिली बहुत ही सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे टमाटो हो गया, आपका मिर्ची हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं. तो सोलेनेसी में क्या है कि यह डिजीज बहुत ही जो ब्लैक पोटैटो वॉट है, ब्लैक स्कैब है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसका कॉजेटिव एजेंट ये रहा आपके पास. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस, है ना, एंडोबायोटिकम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सो पोटैटो वॉट यू हैव टू माइंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक स्कैब. ओके, सो नाउ ब्लैक स्कैब, आई हैव गिवेन यू द ग्राफ. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस इज दिस पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल फिगर. Understand when you will you see you can go to the field, you can understand. And if you go to the potato field, you will understand this is called a scab. Scab disease is really very very prominent. कोई भी जाकर के देख सकता है कि ये scab disease है, जहां आपको अल्टर देखे. लेकिन हाँ, दिस कैन नॉट बी रिजेंबल विद द क्राउन गॉल. क्राउन गॉल इज डिफरेंट एंड पोटेटो वाट इज डिफरेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लूज स्मार्ट, दिस इज नॉट ए रेस्ट. First of all, this is not a rust, but smut disease is really very devastating disease. If it is, grain filling region is affected by smut, so loose smut is really very devastating disease. So try to understand about the loose smut. Loose smut is really very important example of plant pathology and plant pathogens. So loose smut का ऑस्टिलागो होता है, ठीक है? तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के रखिए. ओके, सो नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पाउडरी मिल्ड्यू. सो दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस. सो ब्लूमेरिया ग्रामिनी काउज पाउडरी मिल्ड्यू क्रॉन, ठीक है? तो ये जो ब्लूमेरिया है, एक कैसा दिखता है, जब आप फील्ड में जाओगे, वेन एवर यू विल गो टू द फील्ड, यू कैन ट्राई टू सी द पैचेज, एंड इफ यू हैव यू विल स्क्रैच द लीफ, you will find the brownish brownish in your hand, powdery found. So this powder is nothing, it's a blumeria gramini, this is a fungus. So this disease is really very devastating. It can, if it's serious, it is largely it covers the field up to 60 to 70%, yield losses up to 70%. So it is very devastating disease. Okay, so now the next is Magniporthy grisi. मैग्नीपोर्थी ग्रिसी का एक और मेंबर है जिसे हम बाइपोलरिस कहते हैं. बाइपोलरिस भी ब्लास्ट डिजीज काउज करता है. सो ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो राइस ब्लास्ट इज काउज बाय मैग्नीपोर्थी ग्रिसी. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू कैन सी दिस डिजीज इज लीफ स्टिक, बट दिस डिजीज इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टेरियल लीफ ब्लाइट. ओके, आई विल डिस्कस हाउ दिस डिजीज इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टेरियल ब्लाइट. बैक्टेरियल ब्लाइट में भी सेम तरह का लीजन्स होते हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं स्पॉट्स, पैचेज. सो बैक्टेरियल ब्लाइट में ऐसे पैचेज नहीं होते. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंट विथ मैग्नीपोर्थी ग्रिसी. और इसके जब लीफ सर्फेस पे ऐसे आप हाथ घुमाएंगे तो ब्लैक स्पॉट्स आपके हाथ में भी आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज फंगस. ओके, इफ यू विल गो टू द नोड एंड इंटर नोड रीजन, यू कैन सी द लीजन ऑन द प्लांट. और यही बेसिक डिफरेंस है मैग्नीपोर्थी ग्रिसी यानी दि ब्लास्ट डिजीज और बैक्टेरियल ब्लाइट में. बैक्टेरियल ब्लास्ट लीफ ब्लाइट क्या होती है, लीफ पे ही होती है और पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है बैक्टेरियल लीफ ब्लाइट. और उसके बारे में अपकमिंग स्लाइड्स में आपको बताएंगे. बट मैग्नीपोर्थी ग्रिसी इज ए व्हाट, फंगल डिजीज, बट बैक्टेरियल लीफ ब्लाइट नाम ही बैक्टेरिया, तो बैक्टेरिया से काउच होता है, ठीक है? सो डिफरेंट दिस टू डिजीज आर इंटायरली वेरी डिफरेंट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. So now the next is apple scab. So scab disease is again very important and several questions ask in CSIR exam. Okay, or scab, gate will ask question from this.
this is the causative agent. So try to write down on pen and paper. So this apple scab is really very devastating, and you can see if you go to the fruit market and if you will see this type of lesion on the apple, you can understand this is a scab disease, nothing else. आपने ऐसा देखा होगा सेब मार्केट में, और जब लो कॉस्ट मार्केट में एक डिजीज जो है ना, क्या करता है, पूरा जो सेब का जो रूप है, जो फ्रूट का सेप है, दैट द सेप इज अल्टर्ड, यू नो दिस इज अगेन ए फंगस डिजीज. ओके, नाउ द पॉडरी मिल्ड्यू आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो गो थ्रू द विकिपीडिया ओनली एंड ट्राई टू मेमोराइज द कॉजिटिव एजेंट एंड पॉडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू बोथ. सो डिफरेंट इज पॉडरी मिल्ड्यू में आपको पाउडर मिलेगा, जैसे ही आप उसको स्क्रैब करोगे लीफ पे तो आपके हाथ में क्या आएगा, पाउडर आएगा, ठीक है, लेकिन अपर सरफेस पे पाउडर मिल्ड्यू में, और डाउनी मिल्ड्यू हमेशा लोअर सरफेस पे होता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. जब आप लीफ देखोगे तो अगर ऊपर में आपको कुछ मिल रहा है और आप ऐसे स्क्रैब करते हो, व्हेनेवर यू विल फोर्स योर हैंड यू विल फाइंड सम पाउडर, बट इन डाउनी मिल्ड्यू दिस इज नॉट एज लाइक दैट. यू कैन, दिस इज वेरी, you know, I have gone through the field and I have several times I have seen this, how powdery mildew and downy mildew are different from each other. So you can go to the field and try to learn this disease. Basically जब तक आप field पे जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, आपको disease समझ में नहीं आएगी, you know. और ऐसा नहीं है कि अगर मैं इतना बता दिया तो आप, you are, you know, all about plant pathology and you know all plant diseases. No, this is really a bullshit. I can't say that you are perfect, you know. So this, I have given you the link, you can go to the link and try to learn more about the difference between powdery mildew and downy mildew. Okay, so this is again very important, guys. So dekho, powdery mildew mein maine kya kaha ki you will see this type of powder on the upper leaf surface or upper fruits, you know, ye grapes mein hai aur wo aapka cucumber mein hai, you know, उधर ककंबर में है, ककंबर का फील्ड का है, ठीक है. सो यू कैन गो टू द फील्ड एंड ट्राई टू लर्न दिस. बेसिकली जब भी आप फील्ड पे जाओ, ट्राई टू सी वेरी क्लोजली, नो प्लांट्स को आप ऐसे मत देखो. प्लांट्स को देखो तो एक रिसर्च स्कॉलर की तरह देखो, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह देखो, तभी आपको प्लांट की एक एक पॉइंट जो है आपको समझ में आएगी. प्लांट आपसे बात करेगा, आप प्लांट से बात करोगे, यू नो, बिकॉज मैं प्लांट पैथोलॉजी बहुत दिन तक मैं अपने दोस्तों के साथ, एक्चुअली जो मेरा एमएससी डिसर्टेशन है प्लांट पैथोलॉजी बैकग्राउंड में है, तो डिजीज देखना मुझे बहुत पसंद है, और मैं अभी भी जाता हूँ, पौधों को देखता हूँ अच्छे से, उनमें कौन सी डिजीज है उनको कोशिश करता हूँ पढ़ने का, बिकॉज आई एम नॉट प्लांट पैथोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट. राइट नाउ आई एम डूइंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बट यू नो प्लांट पैथोलॉजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. ओके, सो नाउ, सो टीका डिजीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टीका डिजीज. टीका डिजीज क्या होता है, दो पॉजिटिव एजेंट हैं, एक है सेरेकोस्पोरा सोनोटा एंड सेरेकोस्पोरा आर्किडिकोला. सो आर्किडिकोला जो है ये बहुत ही डिवास्टेटिंग पैथोजिन है, इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा मतलब डिवास्टेटिंग है. और इस पर क्या होता है कि इसको क्या किया गया है कि बहुत सारे जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स है ना, उससे हम क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स के थ्रू हम लोग ट्राई टू कॉम्बैट विद दिस थिंग्स. सो फंगल, यू नो, ये एस्कोमाइसिट्स हैं, प्लांट पैथोजेंस हैं, यू नो. सो आप अगर बॉटनी के स्टूडेंट्स होंगे तो जब आप लोअर किंगडम पढ़े होंगे, फंगस के बारे में पढ़ेंगे, तो एस्कोमाइसिट्स क्या होते हैं, ऊमाइसिट्स क्या होते हैं, तो ये सब बेसिक डिफरेंस आपको अच्छे से पता होगा, है ना. सो आप इन सब चीज़ों को अपने से करके देखें. सो टीका डिजीज में होता क्या है, दरअसल यू नो लीफ सरफेस बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पैचेज आपको दिखेंगे दूर से. ग्राउंडनट के फील्ड में जाओगे तो आपको लीफ पे पैच मिलेंगे, ब्लैक 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 पैच. सो दिस ब्लैक पैच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इज द टीका डिजीज. एंड द बेसिक, यू नो, बेसिक इंपॉर्टेंट द डिफरेंस बिटवीन द, यू नो, व्हाई टीका डिजीज डिवास्टेटिंग, यू नो, द ग्रेन फीलिंग एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेन इज वेरी, यू नो द ग्रेन फीलिंग इज वेरी लेस इन दिस टीका डिजीज. टीका डिजीज के कारण क्या होता है कि जो मूंगफली के दाने हैं वो बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं, आप देखे भी होंगे. तो जब डिजीज होगा तो जो ग्रेन में फीलिंग होगी वो लेस वेट का होगा, और जो मार्केट प्राइस होगी वो कम जाएगी, और फार्मर को कम मतलब इनकम मिलेगा, नो, बिकॉज वेट कम है, बिकॉज दीज आर यू नो कमर्शियल क्रॉप्स. सो कमर्शियल क्रॉप में क्या है कि जब किसान को नुकसान पहुँचेगा तो दे कैन रियली अंडरस्टैंड हाउ दे कैन कंट्रोल दिस. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज टू अंडरस्टैंड गाइज. सो ट्राई टू
knock down this causative agent. So this is all about Tikka disease. So now we will come to the bacterial leaf blight of rice. You know, our previous PhD is on bacterial leaf blight only. So this disease I really personally like, because you know, मैंने फील्ड में गया, मैंने देखा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कैसे होते हैं, कैसे हम इनोकुलेशन करते हैं, कैसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को इनोकुलेट करते हैं, हेल्दी प्लांट को कैसे हम सफ़र कराते हैं किसी डिजीज से, है ना। कोच पॉस्टुलेट्स पढ़िएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोच पॉस्टुलेट्स। कोच पॉस्टुलेट्स क्या है कि एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कोई डिजीज डालते हैं तो डिजीज क्या होगी, एक्सप्रेस होगी। एंड अगर बार बार हम डिजीज को एक्सप्रेस कराएंगे तो उससे क्या होगी, उसमें रेजिस्टेंट डेवलप होगी। आई विल डिस्कस इट अपकमिंग लेक्चर ऑल्सो। सो हाउ प्लांट गेट रेजिस्टेंस, ही यू नो, बार बार एक ही चीज से कॉम्बैट करने से क्या होगा, प्लांट क्या होता है, वैक्सीनेशन की तरफ चला जाता है, और दे कैन कम विथ ए पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। आई विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स और अपकमिंग लेक्चर्स। सो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज कॉल्ड बाय जैंथोमोनस ओराइजी पैथोवेराइटी ओराइजी। सो इन सिंपली यू कैन से द जू। So, Jew is a causative agent for bacterial leaf blight. You know, this is really very serious problem in rice. You know, बहुत सारे, जैसे आप हैदराबाद में देखें या मेजर बंगाल, आप वेस्ट बंगाल में देखें या बांग्लादेश में देखें, सो दिस इज रियली वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर राइस। यू नो, राइस में क्या होता है कि पूरी की पूरी जो लीव्स होती है, you know, पूरी की पूरी वाइट हो जाती है, पूरी की पूरी मतलब कि सूख जाता है पूरा पौधा। तो पूरा पौधा का लीफ ही सूख जाएगा तो जरा सोचिए उसमें ग्रेन फिलिंग क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज ब्लॉक। सो फोटोसिंथेसिस द बेसिक नीड फॉर प्लांट्स। सो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा, कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा तो प्लांट विल अल्टीमेटली नॉट एबल टू, यू नो, फ्रूटिंग कम होगी, यील्ड कम होगा। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कैन कॉज अप टू 80% लॉस इन सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन में अगर फील्ड है तो समझिए 80% क्रॉप लॉस हो सकता है। एक तो एबायोटिक स्ट्रेसेस बहुत होते हैं, सुखाड़ है, कभी पानी नहीं है, तो ये है, तो वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है राइस के साथ, और ऊपर से डिजीजेज, तो ये डिजीज क्या करती है, उनको और लेके डूब जाती है। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगस हो, दिस ऑल आर रियली डिवास्टेटिंग फॉर द प्लांट। सो यू नो, प्लांट में क्या होता है ना, एक बहुत खासियत है, आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, आई विल डिस्कस दिस ऑल डिजीजेज, यू नो। सो खास करके बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट, जो डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, दिस जीन्स आर एक्से फैमिली। सो दिस आर एक्से जीन इज डेवलप्ड इन व्हाट, दैट होस्ट प्लांट, दैट इज राइस प्लांट। राइस प्लांट में एक्से जीन देखा गया, एक्से फैमिली 1 to 33 तक है, जिसमें दोस्तों खास करके 21, 27 and 23 is really undergoing, you know, in my project these three genes are very important for our point of discussion. So I have left that program because you know, I have some issues with my guide, so I left there. So this is another problem that I will just focus on this disease. So try to, you know, focus on this XA21 is asked in DVT exam in 2018. XA21 is bacterial leaf blight resistant gene. Okay, so XA is again very important for you guys. So I discuss a lot about bacterial leaf blight. Now come to that, you can see, देखिए field कैसे सूख रहा है, you know, grain filling होगी नहीं, photosynthesis होगा नहीं, आप देख रहे हैं इसमें patches है कहीं, no, so patches नहीं मिलेंगे आपको, black spots नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मैग्नीपोर्थी ग्रीसी के केस में कैसा था, इसमें काले काले धब्बे थे, काले काले patches थे, और वहां पे जैसे आप ऐसे करोगे तो आपको क्या हाथ में लगेगा, ब्लैक वो जो पैच है उससे आपके हाथ पे भी ब्लैक आपको दिखाई देगा, बट ये कंडीशन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में नहीं है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय अल्टरनेरिया सोलनी। और अल्टरनेरिया सोलनी, यू नो, कंसेंट्रिक सर्किल बनाता है। सी, जब भी जाना फील्ड में, तो पोटैटो फील्ड में जाना या कहीं भी जाना, तो देखना कंसेंट्रिक सर्किल अगर बना रहा हो, यू नो, पैचेज में अगर कंसेंट्रिक सर्किल बना रहा, सोलनेसी में किसी में भी, टोमेटो में भी होता है, अल्टरनेरिया सोलनेई जो है ये बहुत ही डिवास्टेटिंग पैथोजिन है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक लेट ब्लाइट है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस बोथ, यू नो,
difference and early blight and late blight तो alternately होने लगी. Basically you know concentric circle जब बनेगा leaf पे तो आप समझिएगा कि that is what that is alternaria सुना नहीं. और इनको आप grow कर सकते हो lab में ले जा करके, मैंने किया भी है. इन सब का leaf को cut करो, आप मीडिया पे लगाओ, पीडीए मीडिया पे फंगस है, ग्रो कर जाएगा. तो एक करता क्या है, इट इज फाउंड व्हेनेवर पोटैटो आर ग्रोन दिस प्राइमरी अफेक्ट द लीफ एंड स्टेम. दोनों करता है, लीफ को भी और स्टेम को भी. बट अंडर फेवरेबल वेदर कंडीशन एंड इफ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड, आप अगर इस पर कंट्रोल नहीं किए तो समझिए पूरा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा और पूरी की पूरी यील्ड लॉस हो जाएगी. सो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन टोमेटो एंड ऑल सोलानेसी क्रॉप. जितने भी सोलानेसी में हैं वो सब अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो से परेशान है, सब में होता है. अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज आप दीजिए. चलिए, की डिफरेंस बिटवीन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. सो बेसिकली द डिफरेंस इज द लेट early blight and late blight of potato is early blight of potato is caused by fungus alternaria solanae, a late blight of potato caused by oomycetes phytophthora infestans. ठीक है, एक है fungus alternaria solanae और दूसरा है oomycetes phytophthora infestans. both are fungus but their nature is very different, name is different so nature is different. okay, early blight of potato is a fungal disease, fungal infection, when late of blight are oomycetes infection. thus it is another big difference between these two. okay, understand? so now we will discuss about the difference, other difference between late blight of potato and early blight of potato. so definition is early blight of potato is a fungal disease caused by alternaria solanae and this caused by phytophthora infestans. तो infectious agent क्या है, caused by two different closely related fungi, ठीक है, and caused by phytophthora infestans, type of infection that is fungus that is oomycetes. occurrence क्या है, appear first appear secondly, and preferred climate जो है ना दोनों opposite है. you know early blight of potato prefer warm temperature and high humidity condition, you know, and prefer cool and moist weather. so these two are, एक को गर्मी पसंद है और एक को ठंडा पसंद है. you know late blight of potato तब ज़्यादा फैलेगा जब कूलिंग होगी, moist weather होगा और high humid condition हो, warm condition हो, यानी इस rainy season के में early blight of potato बहुत देखा जा सकता है. symptom, small dark spot on the lower and older leaves of the plant, है ना. early blight में क्या होगा कि आपको रेड 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 पैचेज मिलेंगे, डार्क एंड इरेगुलर स्पॉट्स ऑन डेहरेंसी अपीयरेंस. यू नो जैसे ही जब कोई लीफ टूट रहा हो तो आप देखेंगे कि वो डार्क और इरेगुलर स्पॉट्स आ रहे हैं और इसमें कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा. यू नो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. अब जब आप फील्ड में जाओ तो ये सब चीज़ों को देखो और फिर कहना कि हाँ सर रियली आई अंडरस्टैंड. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस यू नो पैथोजेंस एंड देन यू विल एंजॉय this. yes, of course this is really very helpful video for you. okay, so let's talk with the great famine. you know a 1844 5 late four से 1849 तक चला. ये बहुत ही devastating कहा जाए तो ये famine थी. और इस famine के बारे में आप google पे पढ़ें. और ये एक जो causative agent था इसका वो कोई और नहीं था, यही था late blight of potato phytophthora infestans. so try to go on the Wikipedia and try to learn. you know Ireland में बहुत बड़ा famine था, बहुत बड़ा large scale पे. you know Ireland में जो potato है ये you know a major staple crop, you know staple crop है. और ये पूरा का पूरा dominant मतलब large scale पे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो area था potato famines हो गया. so इसे Irish potato famine भी कहा जाता है. you know so try to go to the Wikipedia and try to learn about the Irish famine. so this is really very important, great famine mana jata hai is time ka. okay, so this is you know jab aloo kaatoge to beech se kabhi kabhi aapko aisa dikhta hoga. so this is nothing, this is what, this is phytophthora infestans, you can culture them. okay, so yeah condition thi, logon ko khana nahi milta tha, logon ko bahut problem thi,
खाना था न पीना था। जो आज कोविड का केस है, आज हमारे जो लाचार जो हमारे लेबर वर्ग हैं, जो ग्रामीण इलाके के जो लोग लेबर्स थे, उनकी सेम स्थिति आज बनी पड़ी है कोविड के केस में। और यही सेम, इससे बदतर सिचुएशन कहा जाए, आज गवर्नमेंट कुछ दे रही है उनको, बट दैट टाइम इज वेरी बैड सिचुएशन, सो आई कॉन्ट डिस्कस दैट सिचुएशन। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द बिल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीफेरम। सो दिस इज प्रोटेक्ट टोमेटो, टोमेटो क्रॉप में बिल्टिंग का मतलब क्या है कि वाटर लॉस हो जाए लीफ और स्टेम से, और या फंगस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी, वायरस से भी हो सकता है, दिस कैन कॉज बेस, बट मेजर केस में क्या होता है, फंगस से होता है, दैट इज कॉज बाई फ्यूजेरियम ऑक्सीफेरम। आप यहाँ पे पनामा डिजीज देख सकते हैं, पनामा डिजीज नथिंग, दिस इज ऑल्सो बिल्ट डिजीज इन व्हाट, बनाना, बनाना में देख रहे हैं जो सूख रहा है। आप क्या करो कि पौधे को जाओ, एक पौधे को उखाड़ो, अगर आप स्टेम के अंदर बहुत इररेगुलर टाइप से आप देखेंगे, जब उखाड़ेंगे तो अजीब टाइप से आपको पूरा दिखेगा। कभी गन्ने के खेत में जाइए, और जब गन्ने के खेत को बीच से आप क्या कीजिए, फ्रॉम मिडिल यू कैन जस्ट टोर दैट, यू नो जस्ट ट्राई टू यू नो रिमूव टू टू पार्ट्स कम यू नो ट्राई टू टेक टू पार्ट्स ऑफ द शुगर केन, यू नो और फ्रॉम इन बिट इन मिडिल यू कैन सी देयर इज यू नो वेरी हैसी टाइप ऑफ यू नो समटाइम यू हैव फील दैट दिस इज सम डिजीज, यू नो कभी कभी रेड रेड आपने देखा होगा शुगर केन में, वो कुछ नहीं है, दिस इज अ बिल्ट। सो बिल्ट इज दैट इज कॉज बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीफेरम। सो फ्यूजेरियम ऑक्सीफेरम जो है एक बहुत ही डिवास्टेटिंग पैथोजिन है, जो कि बनामा डिजीज कहा जाता है इन द केस ऑफ बनाना। और आप इजिली देख सकते हैं इसमें जो लीफ होता है, स्टेम होता है, बेसिकली ये दो आते हैं मेजरली अफेक्टेड पार्ट होते हैं, सूख जाते हैं, यू नो पूरा का पूरा पौधा ही सूखा नजर आएगा, क्योंकि तो वाटर उसमें है नहीं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इन प्लांट इज कम्प्लीटली लॉस्ट। नाउ द फायर ब्लाइट, यू नो फायर ब्लाइट इज कॉज बाई इर्विनिया अमाइलोवोरा। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, सो ट्राई टू लर्न अबाउट मोर अबाउट दैट डिजीज। साइट्रस कैंकर मैंने यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, एंड आई विल सजेस्ट यू टू नो अबाउट द साइट्रस कैंकर ऑल्सो, दिस इज अगेन बैक्टेरियल डिजीज। सो नाउ कम टू द क्राउन गॉल, क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज बाय एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस। आप देखे होंगे कि अगर ये सॉयल नेक रीजन पे आप देखे होंगे कि एक गॉल फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ पे सॉयल और है, तो यहाँ पे जो डिजीज जो गॉल फॉर्मेशन होता है, दैट गॉल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज अ ट्यूमर, दिस ट्यूमर इज कॉल्ड एज एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस गॉल डिजीज। सो दिस गॉल डिजीज आई विल डिस्कस in subsequent lecture when I will discuss agrobacterium rhizogen and agrobacterium tumefaciens in separate lecture. Bas you I am giving you just a overview about these all causative agents. So now you can go to the rot disease, you know rot disease caused by Bitaris cinerea. So cinerea, so iske bare mein padh lijiye. Ye पीथियम जो होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये डैम्पिंग ऑफ पी काउज करता है ना। सो आगे तो ये सब चीज़ों को आपके फैटअप थोड़ा जो है ना, ये सब को आप क्या कीजिए कि एक अच्छे से स्लाइड्स पे आप देखिए, और आप अपने से नोट तैयार कीजिए, और ट्राई टू मेमोराइज दिस थिंग्स दैट विल हेल्प यू नॉट इन द एग्जामिनेशन, यू नो। सो डैम्पिंग ऑफ इज कॉज बाई पीथियम, डैम्पिंग ऑफ कुछ नहीं होता है, डैम्पिंग ऑफ का मतलब क्या है कि रूट और स्टेम रीजन से प्लांट गिर जाए, यू नो कभी कभी देखे होंगे कि नीचे से ही प्लांट सड़ गया और गिर गया, तो दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑफ। रजक्टोनिया सोलेने इज ए मेजर कॉजेटिव एजेंट फॉर डैम्पिंग ऑफ, एंड पीथियम इज अनदर, यू नो पीथियम भी इसमें हेल्प करता है डैम्पिंग ऑफ। बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज कह सकते हो आप, तो डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि पूरी की पूरी प्लांट क्या है कि बहुत खड़े खड़े प्लांट्स क्या गिर गए, तो डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है आप सोच सकते हो कि अब पूरा पौधा खड़ा है, सारा फसल तैयार है, और अचानक से क्या हो गया, वो गिर गया, तो यू कैन सी द केस, नो इल्ड लॉस होगा। सो दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लिस्टर, लीफ ब्लिस्टर आप देख सकते हैं, इट इज नॉट ए मोजैक, यू नो ए ब्लिस्टर, ब्लिस्टर करना है ना। सो दिस इज अगेन कॉज्ड बाय फंगी। सो नाउ दिस टू वायरल डिजीज, कर्ली टॉप, सो कर्ली टॉप डिजीज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वायरल डिजीज। आप जब देखोगे, और खास करके टोमेटो फील्ड में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा,
टोबैको फील्ड में देखने को मिलेगा, जो कर्लीनेस आप जो देख रहे हैं, कर्ली टॉप, ऊपर से ही पौधा क्या कर्ल हो गया एकदम एपिकल रीजन में, तो इसको कर्ली टॉप कहते हैं, ठीक है। सो इसको कहते हैं कर्ली टॉप। कर्ली टॉप का मतलब टॉप रीजन पे ये दिखेगा आपको, जो सबसे ऊपर का प्लांट का रीजन है, इसे कहते हैं कर्ली टॉप। ओके, नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज मोजैक। सो मोजैक कैन बी सीन ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। सो टोबैको हो गया, ककम्बर हो गया, अल्फा अल्फा, ट्यूलिप हो गया, इन सबों पे आपको मोजैक दिखेगा। मोजैक में देखिए, मोजैक इज नथिंग, यू नो दिस टाइप ऑफ पैचेज, यू कैन सी येलो येलो पैचेज। सो दिस येलो पैचेज कैन इजिली यू कैन सी, यू नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द मोजैकिज्म। सो दैट मोजैक इज ए वायरल डिजीज, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस वायरस। सो दिस वायरस कैन, यू नो दिस इज रियली वेरी डिवास्टेटिंग डिजीज इन, यू नो पपाया। पपाया में भी मोजैक आप देखे होंगे, पूरा का पूरा प्लांट ही सूख जाता है, नो। सो दिस इज रियली वेरी डिवास्टेटिंग वायरल डिजीज इन प्लांट। सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट, यू नो आई विल जस्ट मेक यू ए नोट फॉर यू, जस्ट ए प्लांट होस्ट, होस्ट सेल। सो इफ यू नो फंगस विल इंटर इन टू द होस्ट, फंगस विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ए होस्टोरिया इन टू द होस्ट सेल, एंड दिस होस्टेरिया हेल्प द फंगस फॉर फीडिंग। सो फीडिंग के लिए क्या होगा, फंगस क्या करेगा, होस्टेरिया बनाएगा, होस्टेरिया होस्ट में डालेगा, एंड दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगस एंड होस्ट। नाउ कम टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया, यू नो बैक्टीरिया क्या भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, यू नो वाई, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन नॉट क्रॉस बाय बैक्टीरिया इजिली। सो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस टॉक्सिन और टॉक्सवाइड और प्रोटीन, दैट इज एवीआर प्रोटीन, एंड इफ आर जीन एंड एवीआर प्रोटीन हैव रिलेशनशिप, आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर व्हाट इज आर एवीआर कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। सो नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ओके, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन गो टू चेक, ओके। सो आई हैव टू डिस्कस दैट बैक्टीरिया कैन इंट्रोड्यूस ए टॉक्सिन एंड दैट रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर ग्रैबिंग दैट टॉक्सिन। सो दैट टॉक्सिन इंटर इन टू द होस्ट सेल एंड द होस्ट सेल कैन गेट अफेक्टेड, यू नो बैक्टीरिया इस तरीके से होस्ट को परेशान करता है। नाउ कम टू द यू नो नीमेटोड्स। सो नीमेटोड क्या करते हैं, आई हैव नॉट डिस्कस एनी नीमेटोड डिजीज, बट नॉट डिजीज जो होता है नीमेटोड्स होता है, ओके। सो नॉट डिजीज में क्या होता है, नीमेटोड्स ट्राई टू पुट ए स्टाइलेट फॉर्मेशन, सो स्टाइलेट बन जाता है। सो दिस स्टाइलेट इज एज लाइक ए पंचर ट्यूब, सो इट इंटर्स इनटू द होस्ट सेल and try to take the nutrients from the host, and this process can induce disease into the plants. So this is the basic understanding how fungus and bacteria or nematode enters into the host cell and try to infect them. So in I have given my up to my own potential, I have given the my maximum. I will try to give you much and much more and more to make you understand, you guys. So this is all about discussion. So now you can understand and you can solve this all question very easily. And I think now you can solve any question from that background, plant pathogen and their causative agents. So these all causative agents I have discussed a lot. So thank you so much for watching my lecture. So this is really very important to understand, guys. And in our next lecture, I will discuss how this, plant have a better immune system in comparison to the animal, and how this immune system, local immune response, or systemic acquired resistance, how this resistance come up in the plant. And this is really very important topic to understand, guys. So thank you so much for watching my lecture. Bye. Get tuned. Stay tuned. Bye.